और खबर देहरादून से, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। डीएवी पीजे कॉलेज में छात्र नेता लामबंद हैं। विरोध के चलते दो छात्र टावर पर चढ़ गए हैं। अपनी मांग को लेकर टावर पर छात्र चढ़े हुए हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर हलचल, दो छात्र टावर पर चढ़ गए, विरोध के चलते अपनी मांग मनवाने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र नेता लामबंद हैं और दो छात्र जो हैं वो टावर पर चढ़ गए हैं और मांग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, देहरादून की तस्वीर, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ गए दो छात्र। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस इस आंदोलन का समर्थन कर रही है। देखिए, पिछले दो साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे जितने भी छात्र नेता पूरे राज्य भर के आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो उनको शिक्षण संस्थानों में जो उनको ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव करा दिया, आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव आपने करा दिए, आपने नगर निकाय के चुनाव करा दिए, तो छात्र संघ का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसके लिए छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? ये छात्रों का अपना अधिकार है, मूल अधिकार है, तो सरकार को चाहिए कि अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेकर छात्र संघ के चुनाव कराएं। विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। चुनाव होने चाहिए, छात्र हित की बात है और छात्रों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार का कोई संज्ञान इस विषय में होगा तो सरकार भी संज्ञान लेगी। सरकार की व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कहीं भी इस तरीके का विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो लोग अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे थे ज्ञानेंद्र, विरोध कर रहे, विरोध अपनी मांगों को लेकर छात्र नेता लामबंद हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन टावर पर चढ़ जाना कितना उचित, क्योंकि इस तरह से तो जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो छात्र नेता हैं उनका लगातार जो है कहीं ना कहीं मांग है सरकार से और खासतौर पे जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत से, कि जो उत्तराखंड के अंदर विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में छात्र संघ के जो चुनाव हैं वो कराए जाए। खासतौर पे देखा जाए तो पिछले दिनों जिस तरीके से जो छात्र नेता हैं एक सप्ताह तक धरने पे बैठे रहे और कल जिस तरीके से दो जगहों पे छात्र नेता टावर पे चढ़ गए और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि वो आक्रोश उनका बढ़ता चला जा रहा है, वो टावर पे भी चढ़ने को कहीं ना कहीं मजबूर है। खासतौर पे देखा जाए कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों में इस पूरे मामले पे जिस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी जो प्रक्रियाएं दी जा रही हैं, प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, उस पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो शिक्षा मंत्री हैं, खासतौर पे उच्च शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पे संज्ञान लेने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं जो रोल है वो उतना नहीं होता है चुनाव में, क्योंकि विश्वविद्यालय उसके अधीन है, विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, लेकिन जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके निर्देशों के बाद ही जो चुनाव है वो कराए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे उच्च शिक्षा मंत्री का कहीं संज्ञान लेना बनता है। खासतौर पे क्योंकि लगातार एक सप्ताह से जो आंदोलन था वो छात्र नेताओं का चल रहा था, उनकी एक ही मांग है कि उत्तराखंड के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके अंदर छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव अगर होते हैं तो तमाम ऐसे जो नेता चुन के आते हैं, नेता अपने विद्यालयों के अंदर जो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम को लेके हो या अन्य दिक्कतें हो, उनको लेके वो आवाज उठाते हैं और कहीं ना कहीं इसका सीधा जो प्रभाव है जो कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र हैं उन पे पड़ता है, तो ये जरूरी भी है कि विद्यालयों के चुनाव होने चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र तिवारी खबर पर जानकारी देने के लिए।